तो गाइस मैं यूं ही यहाँ पे जंकयार्ड में टहल रहा था और तभी अचानक से मेरी नज़र पड़ी इस गाड़ी के ऊपर। पहले तो मुझे लगा कि भाई ये महिंद्रा की थार है, बट फिर मैंने इसे ध्यान से देखा, यहाँ पे जीप का लोगो था तो मैं समझ गया कि भाई ये जीप रेंगलर है। और यहाँ पे अभी मैंने डिसीजन लिया है कि इस गाड़ी को ना मैं रिपेयर करूँ। और अभी यहाँ पे इसकी रिपेयरिंग शुरू करते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले इसकी जो बॉडी है ना गाइस उसको ठीक किया जाए। तो अभी मैं वेल्डर को वहाँ पे यहाँ पे मूव करा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी वहाँ पे हम लोग मूव करा देते हैं। और अभी इनको यूज़ करते हैं यहाँ पे। पहले मैं यहाँ पे वेल्डर यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है और इस गाड़ी का कलर यहाँ पे गाइस रेड है, बट यहाँ पे कुछ पार्ट हैं जिनका अभी यहाँ पे रस्ट लगी हुई है। चलिए ये तो मैं चेंज कर दूंगा पार्ट्स। और अभी जल्दी से इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोगों ने दोनों को यूज़ कर दिया है और अभी इनको बैक करा देते हैं अपनी जगह पर। और अभी मैं एक बार ना इसकी जो बॉडी है वो डिसअसेंबल कर देता हूँ। यहाँ पे आगे यहाँ पे हेडलाइट्स हैं, इनको भी यहाँ पे डिसअसेंबल कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे जो लेफ्ट यहाँ पे लेफ्ट वाला फेंडर है उसको भी मैंने अभी यहाँ पे डिसअसेंबल कर दिया है। और यहाँ पे पीछे की यहाँ पे ये विंडो करनी है डिसअसेंबल। और बाकी यहाँ पे ट्रंक है और ये यहाँ पे लाइसेंस प्लेट भी है और ये बम्पर है और ये लास्ट वाली चीज़ आई थिंक से राइट टेल लाइट। और अभी इसका इंटीरियर डिसअसेंबल करते हैं पहले तो हम लोग। यहाँ पे एक तो पीछे बेंच है इसका और एक आई थिंक से ओनली स्टेयरिंग व्हील है इस गाड़ी के अंदर, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी में से ना इंजन को बाहर निकाल दिया जाए। मूव कराना है मुझे इसको कार लिफ्टर एक ही, और जल्दी से इस गाड़ी का ना इंजन भी हम लोग पुल आउट कर देते हैं। तो पहले हमें गियर बॉक्स रिमूव करना पड़ेगा इस गाड़ी का। तो जल्दी से इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे इसको मैंने ऊपर लिफ्ट करवा दिया है और मैं अभी गियर बॉक्स को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे गियर बॉक्स भाई पहले आई थिंक से ना इंजन को हमें वो करना पड़ेगा। हाँ तो ये रहा गियर बॉक्स। इसको करने के लिए आई थिंक से पहले हमें ये ट्रांसफ़र केस हटाना पड़ेगा और उसको करने के लिए हमें ये ड्राइव शाफ्ट जो है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे कर देते हैं रिमूव हम। ओके तो इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया आई थिंक से। अभी ये क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा नीचे ये इसको रिमूव करना है। अभी ये हो रहा है रिमूव, इसको जल्दी से कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे गियर बॉक्स हो जाएगा इजीली रिमूव। तो इसको अभी मैं यहाँ पे रिमूव करके इंजन को जो है वो पुल आउट कर देता हूँ गाड़ी में से। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले गाड़ी से हम लोग इस गाड़ी का ना जो इंटीरियर है और जो एक्सटीरियर है उसको असेंबल करेंगे। तो अभी मैंने इसका इंजन जो है वो पुल आउट कर दिया है और अभी मैं इसका जो यहाँ पे बाहर वाली साइड है ना एक्सटीरियर उसको असेंबल कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे पास कुछ पार्ट हैं जो कि सही कलर में यहाँ पे अवेलेबल है और कुछ हम लोग पेंट भी कर देंगे इनमें से। तो यहाँ पे बेंच भी है हमारे पास। ओके तो यहाँ पे रियर बम्पर, ये आ गई हमारी टेल लाइट, यहाँ पे लाइसेंस प्लेट भी हम लोग लगा देते हैं। इंडिया वाली लगाऊंगा मैं जो मैंने पर्सनल यहाँ पे डिज़ाइन करवाई हुई है। और अभी यहाँ पे विंडोज़ वगैरह रह गई हैं, इनको जल्दी से यहाँ पे हम लगा देते हैं। ओके तो अभी यहाँ पे ये दो चीज़ें और आ गई हैं, इनको भी लगा देते हैं। यार ये मैंने सामान ना पहले ही यहाँ पे परचेज कर लिया था तो इतनी हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। हाँ पर इनमें से ना कुछ यहाँ पे पार्ट्स जो है उनको कलर करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे लाइट्स तो लगाना ही भूल गया भाई मैं। और नीचे वाली यहाँ पे लाइसेंस प्लेट भी यहाँ पे असेंबल कर देते हैं। तो इसको मैंने कर दिया असेंबल यहाँ पे। और यहाँ पे ये फ्रंट डैशबोर्ड वाली विंडो रह गई थी, इसको भी अभी हम लोगों ने कर दिया है। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रहता तो नहीं। ओके यार यहाँ पे दो विंडोज़ पड़ी थी भाई और एक यहाँ पे जो नीचे वाला साइड मिरर होता है वो रहता था। तो अभी आई थिंक से ना पूरी गाड़ी यहाँ पे असेंबल हो चुकी है। ओके तो बॉडी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल 100 आ गया है, बस अभी इसके पार्ट्स वगैरह ही करने हैं सेट हम लोगों ने। तो अभी मैं इसका ना एक बार इंटीरियर बाय कर लेता हूँ क्योंकि आई थिंक से ना मैंने वो सामान अभी ख़रीदा नहीं है। तो यहाँ पर इंटीरियर शॉप में चलते हैं और मैं जीप यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, फिर उस गाड़ी का ना सारा सामान आ जाएगा। तो ये तो है हमारा स्टेयरिंग व्हील जो इस गाड़ी में लगेगा। तो गाइस यहाँ पे सीट्स में ना मैंने ये वाली सिलेक्ट की है, ये जीप कंपनी की है, इसको हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे गाइस सीट भी ख़रीद ली है और अभी जल्दी से इस गाड़ी को यहाँ पर हम लोग करते हैं असेंबल इसके इंटीरियर को। तो यहाँ पर पहले तो स्टेयरिंग व्हील लगा देते हैं जो हम लोगों ने ख़रीदा है जीप का, ये रहा। और अभी यहाँ पर सीट्स यार मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली लगा दी जाए क्योंकि यार ये अच्छी लगेंगी। बाकी ये सीट जो लेदर वाली है ना ये भी अच्छी लगेगी, तो वैसे ये गाइस ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये सीट्स कंफर्टेबल भी ज़्यादा होंगी। तो अभी मैं यहाँ पे जो ये बेंच है इसको लगा देता हूँ। बेंच यार है मैंने गलत ख़रीद लिया भाई, रेंगुलर वाला लगेगा इसके अंदर। तो जल्दी से भी ले लेते हैं उसको भी।
तो अभी ना गाइस हम लोग बेंच खरीदने वाले हैं, और बेंच इसके अंदर रेंगलर का ही लगेगा जो ऑफिशियल आता है। पहले मैंने गलत वाला ख़रीद लिया था, यहाँ पे रेंगलर वाला किधर गया भाई? यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा भाई वो। तो अभी यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, हो सकता है कि लास्ट वाली लाइन में हो। भाई मेरी प्रडिक्शन ना सही निकली, लास्ट वाली लाइन में ही था वो। तो अभी जल्दी से इसको भी असेंबल कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने इसको भी असेंबल कर दिया है, और अभी गाड़ी की जो बॉडी है ना वो फुल यहाँ पे तैयार है। और अभी यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रिमूव कर देता हूँ जो कि यहाँ पे नॉर्मली नहीं होंगी। इनको हमें ना गाइस यहाँ पे बोनट वाली साइड से ही रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ABS पंप रह गया है, और तो आई थिंक से कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अभी इसका जो ये सस्पेंशन है ना, सिर्फ हम लोगों ने इसको ही यहाँ पे अभी रिपेयर करना है। इसके व्हील्स तो आई थिंक से मैंने बनवा दिए थे। तो अभी यार मैं सोच रहा हूँ ना यहाँ पे इसको माउंट कर देता हूँ, क्योंकि इनमें से ना कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ के आई थिंक से सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडिएटर भी है हमारे पास, एयर फिल्टर कवर भी है, और ये क्या है भाई? हाँ, ये भी है हमारे पास। तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे ब्रेक सर्वो मैंने लिया था, ये परचेज़ किया था। ABS पंप भी है हमारे पास, और यहाँ पे नीचे इंजन लगेगी, ये तो अभी बाद में लगाएंगे हम लोग। ये हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी बैटरी हमारी। और यहाँ पे आई थिंक से ना ABS मॉड्यूल रह गया है। हाँ, ये रहा ABS मॉड्यूल यहाँ पे रह गया है। इसके यहाँ पे हमें बोल्ट यहाँ पे कसने पड़ेंगे, नट बोल्ट जो है। तो अभी इसको भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। और अभी मेरे ख्याल से ना यहाँ पे सारा सामान जो है आ गया है। यहाँ पे नीचे जो इंजन वगैरह है ना, ये तो दूसरी साइड से लगेगा। और यहाँ पे कुछ रह गया है, फ्यूल फिल्टर। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी गाइस, फ्यूल फिल्टर रह गया था। और यहाँ पे क्लिप भी रह गए भाई। इनको ना यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और यहाँ पे दो और लगेंगे आई थिंक से, तो इनको भी अब जल्दी से अभी हम लोग लगा देते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे पूरा स्टॉक था इस चीज़ का, तो भी हम लोगों ने इसको पहले ही फिक्स कर दिया है। और अभी इसकी जो सस्पेंशन है ना गाइस, उसको ही फिक्स करना है अभी हम लोगों ने। तो गाड़ी को मैं ऊपर लिफ्ट करा देता हूँ। इस गाड़ी का जो टायर है ना, वो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है। तो अभी जल्दी से ना मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो इसको भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे अभी ब्रेक्स वगैरह हैं, इनको रिमूव कर देते हैं पहले। ओके, तो अभी ये रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ये अभी कर लेते हैं रिमूव। और पहले बेयरिंग रिमूव होता है इसमें, और अभी यहाँ पे फ्रंट व्हील हब रिमूव होएगा। इसके अंदर तीन स्क्रू हैं, और अभी ये जो है कवर जो है इसको रिमूव करना है। यहाँ पे पहले यार ये रिमूव करनी पड़। तो अभी हम लोगों ने आगे की साइड तो यहाँ पे सारी रिमूव कर दी है, और अभी शॉक एब्जर्वर को भी हम लोगों ने रिमूव कर दिया है। अभी यहाँ पे सस्पेंशन आर्म है, इसको जल्दी से रिमूव कर देते हैं। और ये इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। एक तो यार ये गेम ना इतनी रियलिस्टिक है भाई, अकेली अकेली चीज़ में ना, अकेला अकेला नट बोल्ट जो है हमें यहाँ पे खुद यहाँ पे अनस्क्रीव करना पड़ता है। यार बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक गेम है भाई ये, तो हमें मानना पड़ेगा यहाँ पे। अभी ये रबर बुशिंग्स हैं, इनको भी रिमूव कर देते हैं हम लोग। ये आई थिंक से चार होने वाली है। तो यहाँ पे दो हम लोगों ने रबर बुशिंग रिमूव कर दी है, और लास्ट वाली यहाँ पे रह गई है, इसको भी जल्दी से रिमूव कर देते हैं हम लोग। और फिर नीचे वाली साइड जो है ये रिमूव हो जाएगी। नहीं, कुछ रह रहा है यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ रिमूव करनी रहती है। इसके लिए हमें ये जहाँ पे जो शॉक ऑब्जर्वर वगैरह है इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो जल्दी से अभी कर देते हैं। तो अभी ये हो जानी चाहिए चीज़ रिमूव। यस, अभी ये रिमूव हो जाएगी, बॉटम सस्पेंशन आर्म। और अभी आई थिंक से ये भी रिमूव हो जाएगा। यस, तो अभी यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, दूसरे वाले व्हील को। तो गाइस अभी यहाँ पे पीछे वाली साइड भी हमारी लगभग डिसअसेंबल हो ही गई है, बस ये लास्ट वाली चीज़ बची थी। और अभी हमारी गाड़ी की जो सस्पेंशन वाली जगह है ना, वो पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे डिसअसेंबल हो गई है। और अभी हम लोग यहाँ पे इंजन जो है ना, उसको यहाँ पे बनाने वाले हैं पहले। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं भाई वो इंजन का नेम क्या था। इन्वेंट्री के अंदर है यार इतना सामान कैसे है भाई? तो अभी यहाँ पे मैं उस इंजन का नेम देख लेता हूँ क्या है। तो गाइस ये जो इंजन है, इसका नेम है V6DOHC AQE। तो गाइस अभी मैंने चेक भी किया है कि इस गाड़ी के अंदर और कोई इंजन डाल सकता है, जैसे कि V12 वगैरह, तो उसकी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो हमें यही इंजन डालनी पड़ेगी। तो
तो इसका नेम क्या था, V6 था ना ये, कुछ ऐसे ही था। तो अभी V6DUHC यहाँ पे हमको ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गाइस ये AQE वाला मॉडल था आई थिंक से, तो मैं जल्दी से उसको ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे V6, हाँ ये रही गाइस इंजन वो। तो अभी जल्दी से इसको बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पार्ट माउंट में चले जाते हैं। ओके तो इसका सामान अभी ना मुझे ख़रीदना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से सामान ख़रीद लेता हूँ पहले यहाँ पे। तो गाइस अभी मैंने इस गाड़ी की इंजन का सारा सामान यहाँ पे ख़रीद लिया है, और अभी जल्दी से इसको माउंट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोगों ने माउंट कर दिया। अभी अल्टरनेटर वगैरह सब कुछ हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी ख़रीद लिया है, क्योंकि इन चीज़ों की ना आगे भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यह लगा देते हैं यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट जो भी था ये, यहाँ पर ऑयल फिल्टर, यहाँ पर लगेंगे पिस्टन विद कॉर्नर रोड। तो अभी इनको भी इंस्टॉल कर देते हैं। आई थिंक से ये 4 लगेंगे, यहाँ पे बेयरिंग भी लगेंगे ऊपर, नहीं 3 लगेंगे गाइस, ये एक यहाँ पे भी लगेगा, मीन्स टोटल 6 लगेंगे, 3 इधरली साइड और 3 उधरली साइड। यहाँ पे फ्लाई व्हील व्हील मैंने एक लगा ही दिया है अभी, और अभी ये क्यों नहीं लग रहा भाई, इसको इधर से लगाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर बेयरिंग कैप भी लगेंगे भाई ऊपर, बेयरिंग कैप नहीं रोड कैप गाइस, यहाँ पे रोड कैप्स भी लगेंगे, और साथ ही में यहाँ पर लगेंगे क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग कैप। तो भी जल्दी से इनको भी शुरू कर देते हैं लगाना। यहाँ पे रोड कैप्स में पहले लगा देता हूँ, यहाँ पे एक और रोड कैप लगेगा, नाइस। और भी इनको मैंने लगा दिया, अभी पिस्टन जो बच गए हैं उनको लगा देता हूँ मैं। यहाँ पे और भी रोड कैप्स लगने हैं, अभी टोटल आई थिंक से ना ये 6 लगने थे यहाँ पे। अभी आई थिंक मैंने सारे लगा दिए हैं। यहाँ पे ये एक रहता है, और बेयरिंग तो आई थिंक से यहाँ पे ना इतने ही लगने थे, हाँ क्योंकि अभी ऑप्शन आ गया ना ऊपर लगाने की ऑयल पैन। कंडीशन 100 है, तो अभी इसको जल्दी से इंस्टॉल कर देते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। तो अभी इसको मैं यहाँ पे मूव करा देता हूँ कार लिफ्टर एक ही ओर। यहाँ पे टू इंस्टॉल इंजन फर्स्ट अनमाउंट फ्यूल फिल्टर फ्रॉम दी कार। फ्यूल फिल्टर हमें ये रहा फ्यूल फिल्टर, इसको हटाना पड़ेगा अभी। अभी लग जाएगी भाई इंजन हमारी, यस अभी यहाँ पे लग गई इंजन। और अभी इसको ऊपर से इंस्टॉल कर देते हैं फ्यूल फिल्टर को। किधर गया भाई, किधर गया भाई, यहीं पर तो था ये आई थिंक से, नीचे लगेगा ये, नहीं भाई किधर गया भाई। तो अभी इसको हम लोगों ने लगा दिया है, और एक बार गाड़ी की ना मैं कंडीशन चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। पहले गाड़ी को यहाँ पे हम लोगों को मीन्स लिफ्ट कराना पड़ेगा। ओके तो ग्लोबल पार्ट्स कंडीशन भी अभी हमारी 38% हो गई है, बाकी तो 100% है ही। यहाँ पे अभी पार्ट माउंट में जाते हैं और ये चीज़ें लगा देते हैं। अरे ये भी आई थिंक से मुझे ना ख़रीदनी पड़ेगी, तो जल्दी से मैं इन्हें भी ख़रीद लेता हूँ। तो अभी मैंने गाइस मोस्टली चीज़ें तो ख़रीद ली हैं, जल्दी से अभी इन्हें फ़िक्स करते हैं हम लोग। यहाँ पे गियर बॉक्स ना गाइस मैं कस्टम वाला लगाने वाला हूँ, तो वो तो हम लोग इनको यहाँ पे मीन्स लगाने के बाद लगाएंगे। कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, तो चलो मैं उन्हें भी अभी बाद में परचेस कर लूँगा, बट पहले जितनी चीज़ें अभी हमारे पास है उतनी लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे बियरिंग भी है हमारे पास इसका, और ये ब्रेक्स भी हैं, और यहाँ पर लगेगा ब्रेक कैपिलर, इसके साथ ये लगता होता है कैपिलर सिलेंडर, और इसके ऊपर यहाँ पे भाई कुछ रहता है ना आई थिंक से, हाँ ये रह गया यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जो सस्पेंशन की आर्म लगती होती है। तभी मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे व्हील का ऑप्शन शो क्यों नहीं कर रहा, पहले मैं ना ये सस्पेंशन आर्म्स वगैरह डालनी पड़ेंगी इस गाड़ी की। और ये फ्रंट स्वे बार भी अभी हम लोगों ने लेना है, और बाकी यहाँ पर व्हील वगैरह हो गया ना सारा कुछ, हाँ बाकी तो यहाँ पर लगभग सारा हो ही गया है आई थिंक से। पहले ना हमें ये चीज़ें लगानी पड़ेंगी, इनको मैंने अभी परचेज़ करना है जो इसे एग्जॉस्ट वगैरह हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो भी मेरे पास हैं तो उनको तो मैं अभी जल्दी से यहाँ पे लगा ही देता हूँ। यहाँ पे ये तो नहीं है हमारे पास, और यहाँ पे रियर मफर नहीं है हमारे पास, ये तो चलो मैं बाद में लगा दूंगा। यहाँ पे सस्पेंशन आर्म यार हमारे पास एक ही है यहाँ पे, तो इसको भी अभी हमें परचेस करना पड़ेगा। ये भी नहीं है हमारे पास, ये तो है यहाँ पे, ये भी है हमारे पास। इन चीज़ों का ना अभी एक ही स्टॉक है हमारे पास, तो इनको भी हमें परचेस करना पड़ेगा अभी।
तो अभी ना गाइस जो बचा कुचा सामान था मैंने वो भी अभी बाइक कर लिया है, और भी जल्दी से इसको असेंबल कर देते हैं। एक आधी चीज़ को छोड़ के यहाँ पे हम लोगों ने सारा सामान खरीद लिया है, तो वो भी एक आधी चीज़ जो है वो ये है कि रियर मफर भी हम लोगों ने नहीं खरीदा है, तो उसको भी अभी हम लोग खरीद ही लेते हैं। मुझे लगा कि यार इसमें दूसरे वाला लगेगा, बट इसमें बी रियर मफर भी लगेगा, तो वो अभी मुझे देखना पड़ेगा। ये रहा, तो इसको हम लोग परचेस कर लिया है अभी हम लोगों ने, और अभी जल्दी से फिक्स करते हैं यहाँ पे। फाइनली इसको भी हम लोगों ने लगा दिया। स्प्रिंग कैप हमारे पास ऑलरेडी थी, स्प्रिंग भी हमारे पास हैं, और अभी ये भी है, नहीं ये नहीं हमने ले लिया अभी, तो अभी यहाँ पे इसको लगा देते हैं हम लोग। और तो यहाँ पे ये लगने वाला है रियर शॉक एब्जर्वर, ओके। तो और यहाँ पे अभी ये लगने वाला है स्वे बार, ये अभी रहता है हमारा स्वे बार एंड लिंक, उसका मैं नेम यहाँ पे भर देता हूँ, स्वे बार एंड लिंक। यहाँ पे भरा क्यों नहीं गया भाई, स्वे बार एंड लिंक भाई किधर गया, ये दोनों सारे ही ले लेते हैं गाइस हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में। तो अभी इनको मैंने परचेज़ कर लिया है, और अभी यहाँ पे लगा देते हैं गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे ये रहा, इसको लगा देते हैं। और यहाँ पे पीछे वाली साइड में क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। वो भी ये चीज़ रहती है ना एग्जॉस्ट पाइप, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। और इधरली साइड पे ये रहती है कुछ चीज़ें, यहाँ पे ये भी रहती है रफ़र क्यों कह रहा हूँ, रबर बुशिंग्स, इनको भी हम लोग लगा देते हैं। दो तो हम लोगों ने लगा दिए हैं, और तो सारा कुछ यहाँ पे लगा ही हुआ है, बाकी अभी इधरली साइड को हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स करना है। फिक्स नहीं मीन्स असेंबल करना है। पहले यार मैं आगे वाली साइड को ना कंप्लीट कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे ये लगा दिया हम लोगों ने, ये रहता है फ्रंट एग्जॉस्ट सेक्शन डी, तो ये बॉटम सस्पेंशन लगा देते हैं अभी। यहाँ पे ये लगेगा हमारा शॉक एब्जर्वर, ये भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो तो भी हम लोग कर लेते हैं क्रिएट। और आगे का एक टायर भी रहता है हमारा यहाँ पे अभी ना गाइस, हमारा बस जो सस्पेंशन है ना यही लास्ट वाला काम है, फिर तो डायनो वगैरह में गाड़ी की टेस्टिंग होगी, और पेंट वगैरह हम लोगों ने गाड़ी के ऊपर करना है, फिर हमारी गाड़ी मीन्स तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे रबर बशिंग एक और रहती है, इसको भी लगा दिया है हम लोगों ने, और आई थिंक से एक और रहती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली चार ही होने वाली है एक गाड़ी के अंदर। यस यहाँ पे एक पड़ी है, इसको भी यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। और अभी आगे वाला टायर जो है वो लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे सस्पेंशन आर्म लगा देते हैं। बैटरी वगैरह तो ना आई थिंक से मैंने पहले लगा ही दी थी, वो तो यस मैंने लगा दी थी पहले, बस अभी मेन यही काम रह गया है टायर वगैरह लगाने हैं, और फिर हमारी गाड़ी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे अभी ऊपर लगेगी यहाँ पे ब्रेक की पैड, और उसके ऊपर लगेगी ब्रेक कैपिलर, यहाँ पे बेयरिंग लगेगा, और इसके अंदर लगेगा हमारा फ्रंट ड्राइव एक्सल ए। इसके ऊपर अभी हमारा व्हील लगने वाला है, बट उससे पहले एक मेन चीज़ रहती है, उसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। वो भी फाइनली लग गई है, और यहाँ पे हमारा व्हील भी यहाँ पे फिक्स हो गया है। तो अभी यहाँ पे नीचे ये बॉटम सस्पेंशन नाम रहेगी थी, इसको भी लगा देते हैं। और यहाँ पे ये हम लोगों ने बनाने हैं अभी सस्पेंशंस जो हैं, और एक हम लोगों ने परचेज करना है ये फ्रंट एग्जॉस्ट सेक्शन डी, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आगे वाली साइड पे लगना था, ये रहा, इसको लगा दिया है हम लोगों ने अभी। और यहाँ पे गियर बॉक्स रहता है, और ये दो चीज़ें रहती हैं, इसको जल्दी से मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। ये कहाँ पे क्रिएट होती है, हाँ यहाँ पे होती हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करते हैं। ये वाले लगाऊँ, ये ही लगा देते हैं, नहीं ये तो रियर वाले हैं ना, ये वाले लगेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे एक तो हमारा बन गया है, और एक के लिए हमें सामान खरीदना पड़ेगा, तो इसको मैं अभी यहाँ पे लगा देता हूँ, ये आगे वाले टायर पे लगता होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, और अभी यहाँ पे ये क्या चीज़ आ गई, इसको लगा देते हैं। तो अभी हम लोग गाइस दूसरे वाला बना लेते हैं, उसके लिए पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या चाहिए। एक तो ये चाहिए फ्रंट का जो ये होता है,
और बाकी स्प्रिंग तो है हमारे पास, पे सस्पेंशन में चले जाते हैं। ये रहा हमारा फ्रंट वाला, और एक चाहिए हमें ये, और एक ये खरीद ही लेते हैं, कई बार होता नहीं है तो दोबारा खरीदना पड़ता है इसको, इसीलिए पहले ही हम लोगों ने खरीद लिया है। और एक ये लग गया, ये लग गया, और ये लग गया, फाइनली इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। और इसको भी यहाँ पे गाड़ी के ऊपर लगाते हैं हम लोग, पहले इसको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा इसमें से। तो भी जल्दी से इसको मैं माउंट कर देता हूँ। और यहाँ पे ये लगी हमारी स्वेप एंड वाली जो होती है लिंक, जो भी है ये। ओके, तो अभी ये हमारी साइड जो है आई थिंक से कंप्लीट हो गई है, बस अभी पीछे वाली साइड यहाँ पे रहती है, उसको भी जल्दी से बना देते हैं। तो यहाँ पे गाइस बस थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, एक तो हमारा गियर बॉक्स रह गया है और एक आधी चीज़ और रह गई है। पहले तो मैं ना ये जो मेन शॉप में से ना सस्पेंशन की एक ना मेरी ऊपर वाली आर्म रहती है ख़रीदने वाली, उसको ख़रीद लेता हूँ। अपर सस्पेंशन आर्म लगने तो ये वाली है, तो इसको भी मैंने अभी ख़रीद लिया है। और इधर ली साइड पर लगनी थी ये, यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है अभी। और अभी आई थिंक से ना ओनली गेयर बॉक्स ही हमारा रह गया है। एक बार हम लोग ना कार स्टेटस में जाके देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं। यहाँ पे स्पार्क प्लग वगैरह, अरे यार ये मैंने लगाए तो थे भाई। अरे भाई इंजन के अंदर यार अभी हमारा सामान अभी रह गया है लगाने वाला, तो जल्दी से मैं उसे लगा देता हूँ। यार वैसे मैंने लगाया था यार, देखना पड़ेगा एक बार फिर से पार्ट माउंट। यहाँ पे इसके अंदर तो नहीं लगने थे वो, पे यार स्पार्क प्लग नहीं लगाया आई थिंक से मैंने इंजन के अंदर। यहाँ पे पहले यार गियर बॉक्स लगाते हैं, बाकी का काम बाद में, पहले गियर बॉक्स लगाते हैं, फिर जो चीज़ें बच जाएंगी ना मैं वो लगा दूंगा। गियर बॉक्स लगेगा ये वाला, इनमें से मुझे ना V6 का खरीदना पड़ेगा। वैसे तो यार V6C है बट यहाँ पे ओनली B अवेलेबल है, तो यहाँ पे गाइस ओनली ये वाला ही था, तो मुझे आई थिंक से यही लगाना पड़ेगा V6B वाला। अगर ये नहीं लगा तो मैं कोई और लगा दूंगा यहाँ पे, बट लगाना तो है अभी हम लोगों ने इसे। तो इसको यार ऊपर से एक्सेस कैसे करूँ भाई मैं, यहाँ से इसमें से कर लेते हैं। अरे यार ये नीचे से भी लग ही जाएगा ये तो आई थिंक से, हाँ नीचे से भी लग जाएगा। ये वाला ही लगना था गाइस वैसे, इसमें कस्टम जो गेयर बॉक्स है यहाँ पे लगेगा ट्रांसफ़र केस 4x4, इसको मैंने अभी ख़रीदना है, इसको मैं ख़रीद लेता हूँ। ये आई थिंक से दूसरे में ही मिलेगा हमें मेन शॉप में, ट्रांसफ़र केस 4x4 ये रहा, इसको भी हम लोग ने परचेज़ कर लिया है। और जल्दी से इसको माउंट कर देते हैं। और यहाँ पे ये ड्राइव शाफ्ट लगने वाली है, नाइस nice। तो इसको भी अभी हम लोगों ने लगा दिया है। और अभी देखते हैं भाई रह क्या चीज़ गई यहाँ पे, बाकी यहाँ पे 100% है बिल्कुल। ये सेंटर में कुछ चीज़ें हैं, थ्रोटल स्टार्टर वगैरह, ये तो यार इंजन का सामान है सारा कुछ। और ये फ्रंट ड्राइव शाफ्ट डी भी रहता है कुछ, इसको भी मैं अभी देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ पे लगने वाला था। ये फ्रंट ड्राइव शाफ्ट डी यहाँ पे लगना था, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। और अभी ये ना इंजन का ही सामान है गाइस, ये ना इंजन बे से ही अभी हमें एक्सेस होएगा, तो हमें गाड़ी को ना पहले नीचे करना पड़ेगा। और अभी हम लोग जाते हैं इंजन बे में, और यहाँ पे पार्ट माउंट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पे लगना था यार स्टार्टर वगैरह, यहाँ पे इधरली साइड पे तो नहीं लगना था आई थिंक से, स्टार्टर तो यहाँ पे लगना था, ये कार के नीचे से एक्सेस होएगा। मुझे ना गाइस एक ही डर है बस, यहाँ पे अभी हमें ना गाड़ी में जो ये चीज़ है ना मीन्स इंजन को ना बाहर निकाल के शुरू से ना ये काम करना पड़े, इसी बात का भी डर है मुझे। बाकी स्टार्टर वगैरह तो अभी यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे लगने थे जो स्पार्क प्लग्स अभी हमारे रहते थे, और जो उनके ऊपर लगनी थी ना इग्निशन वाली चीज़, वो यहाँ पर इनके ऊपर लगनी थी। तो
आई थिंक से ना मेरी लापरवाही की वजह से ही है। जब मैं इंजन बना रहा था ना तब आई थिंक से मुझे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने, और भाई इतना सामान रहता था भाई इंजन का। वो तो चलो शुक्र है भाई सही टाइम पे हमें पता लग गया यहाँ पे। तो भी जल्दी से इनको लगा देते हैं, फिर फ्यूल भर के चलाते हैं अपनी जीप रेंगलर। तो जल्दी से इसके ऊपर ये इग्निशन कॉइल्स लगा देते हैं अभी। तो इनको मैंने यहाँ पे लगा दिया, और अभी यहाँ पे इनटेक मैनिफोल्ड लगने वाला है, और यहाँ पे थ्रोटल लगेगा। अभी आई थिंक से हमारी जो ये गाड़ी है ये परफेक्टली कंप्लीट हो गई है। बस इसके अंदर अभी हम लोगों ने ऑयल ही फिल करना है। ये क्यों नहीं हो रहा भाई फिल? आई थिंक से ऑलरेडी फिल है। एक बार गाड़ी का स्टेटस देख लेते हैं। बिल्कुल 100% है अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे, और इसकी वैल्यू देखो भाई कितनी ज़्यादा हो गई है। तो अभी यहाँ पे ऑयल फिल करना है हम लोगों ने, वो मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक से अभी होना चाहिए। हाँ अभी फिल हो रहा है, इसको फिल कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ऑयल भी हम लोगों ने गाड़ी के अंदर फिल कर दिया है, और अभी गाड़ी हमारी परफेक्टली कंप्लीट हो गई है। अभी मैं गाड़ी को यहाँ पे लेकर चलता हूँ पहले तो पेंट शॉप में, पेंट करेंगे इसके ऊपर अच्छा सा, और फिर इसको डाइनो वगैरह में लेकर जाएंगे टेस्टिंग के लिए, और फिर मैं इसकी ऑफ रोडिंग भी थोड़ी बहुत करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी यार पेंट यार वैसे तो रेड ही अच्छा लग रहा है। तो अभी गाइस मैंने ना सोचा कि इस गाड़ी को ना ब्लैक कलर में ही रखा जाए। इसके ऊपर लीवरी भी हम लोग लगा सकते हैं, तो लीवरी मैं ये लगा देता हूँ, ये स्टार सा अच्छा लग रहा है। तो अभी इसको मैं पेंट कर देता हूँ, अभी ये ब्लैक कलर के अंदर ना अच्छी लग रही है। बाकी अगर मैं चाहता तो इसको रेड भी कर सकता था, बट यार मुझे ब्लैक के अंदर ही अच्छी लग रही है, तो इसीलिए मैंने इसको ब्लैक कलर में ही रखा है। और अभी इसको अभी हम लोग लेकर चलते हैं गाइस यहाँ पे डायनो में। डायनो हमारा यहाँ पे किधर गया, ये रहा। तो जल्दी से जाते हैं, डायनो यहाँ पे साइड में ही है। तो अभी इसके अंदर ले जाते हैं, गाड़ी की टेस्टिंग करते हैं अभी। तो अभी हमारी गाड़ी डायनो के अंदर आ गई है, और इसकी अभी हमें टेस्ट करता हूँ डायनो। यहाँ पे इसको रन कर दिया हम लोगों ने। अभी गाड़ी की साउंड सुनना गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमारी डायनो टेस्टिंग जो है वो फिनिश हो गई है। तो यहाँ पे अभी चलते हैं यहाँ पे टेस्ट पाथ में, और यहाँ पे वो खड़ी हमारी गाड़ी, जल्दी से इसको करते हैं टेस्ट। ओके तो हम लोग गाड़ी के अंदर आ गए हैं भाई। अभी इसको धीरे धीरे आगे लेकर जाना है हम लोगों ने। यहाँ पे ब्रेक्स लगानी है अभी। फ्रंट ब्रेक्स ठीक से काम कर रही हैं, अभी रियर ब्रेक्स चेक होएंगी। रियर ब्रेक्स भी यहाँ पे 100% है, और अभी यहाँ पे सस्पेंशन चेक होने वाली है गाड़ी की। यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन भी हमारी पास हो गई है टेस्ट के अंदर, और अभी रियर सस्पेंशन का टेस्ट हो रहा है। वो भी गाइस इजीली अभी हमारी गाड़ी ने कंप्लीट कर दिया है। और अभी इस गाड़ी को गाइस हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ पे गैराज की एंट्रेंस में, और एक बार इस गाड़ी का ओवरऑल व्यू देखते हैं। तो अभी मैं इसको ना यहाँ पे चलाने वाला हूँ गाड़ी को। तो यहाँ पे इस गाड़ी को हम लोग लेकर चलते हैं पहले तो स्पीड ट्रैक में। तो पहले तो गाइस इस गाड़ी के ना स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। तो गाइस अभी इस गाड़ी की यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो गाड़ी का साउंड कितना अच्छा है। यहाँ पे मैं कैमरा चेंज कर देता हूँ भाई साहब, गाड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है भाई हमारी यहाँ पे। यहाँ पे अभी सेकेंड गियर है ये, और स्पीड हमारी 120 यहाँ पे चली गई है। अभी थर्ड गियर चल रहा है, और इस गाड़ी ने ना गाइस 100 किलोमीटर की स्पीड ना 7 सेकंड के अंदर गेन की थी। बाकी यार स्पीड तो यार इसकी ठीक ही है, बाकी ये एक ऑफ रोडिंग कार है, तो ऑफ रोडिंग कार के हिसाब से ये स्पीड मीन्स अच्छी है। लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये गाड़ी अभी गई है, मीन्स गई नहीं जाने वाली है। देखते हैं कि इसकी स्पीड 200 किलोमीटर टच करेगी या फिर नहीं यहाँ पे। तो गाइस इस गाड़ी का जो स्पीड टेस्ट है ना वो हम लोग कह सकते हैं कि गाइस इस गाड़ी ने जो मैक्स स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर हासिल की थी, क्योंकि यार 198 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर पर आवर में क्या ही यहाँ पे अंतर है। तो इसलिए हम लोग 200 किलोमीटर मान के चलेंगे।
और यहाँ पे अभी इसकी ना मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे टेस्टिंग कर लेता हूँ गाड़ी की। तो अभी मैं गाड़ी को लेकर चलता हूँ सबसे पहले तो टेस्ट ट्रैक की ओर, और फिर हम लोग इसको लेकर चलेंगे ऑफ रोड ट्रैक की ओर। तो यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी टेस्ट ट्रैक में आ गई है, और अभी इस गाड़ी की यहाँ पे एक्सीलरेशन टेस्ट हुई है। ये तो आई थिंक से इजीली पास हो ही जाएगी। यस, इसको हम लोगों ने इजीली पार्क कर दिया है, और अभी इस गाड़ी का ये स्लैलोम टेस्ट होएगा कि इस गाड़ी की जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल मीन्स सीधी है या फिर नहीं। और अभी इसका जो सस्पेंशन टेस्ट होता है मेन वाला वो होने वाला है। इसको भी ये गाड़ी इजीली पार्क कर ही देगी यार। आखिरकार हम लोगों ने यहाँ पे रिपेयर किया है, ये देखो भाई कितने आसानी से ये गाड़ी ने पार्क कर दिया है। और अभी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था गाड़ी का, तो वो तो कोई मीन्स बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भाई ड्रिफ्ट कर रहा हूँ भाई, देखो भाई जीप रैंगलर के साथ ड्रिफ्टिंग की है। अभी यहाँ पे ब्रेक टेस्ट होने वाली है, ब्रेक यहीं पे लगा देते हैं। ब्रेक यार बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस गाड़ी के, तो इस गाड़ी ने हमारा ये टेस्ट भी इजीली पार्क कर दिया है। और अभी फाइनली लेकर चलते हैं इसे ऑफ रोड ट्रैक की ओर। तो यहाँ पे गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं ऑफ रोड ट्रैक पे, और यहाँ पे अभी देखते हैं कि गाड़ी हमारा कैसा परफॉर्म करेगी। और इसका मैंने अभी कैमरा एंगल सेट कर दिया है, और भाई गाड़ी अच्छे से चल रही है भाई ऑफ रोड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ऑफ रोडिंग इस गाड़ी से हो रही है। अभी यहाँ पे इसको यहाँ पे इस ना पहाड़ के ऊपर चढ़ाते हैं। यार पावर तो बहुत है इस गाड़ी के अंदर, ये तो आपको भी पता ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यार जीप रेगुलर जो है ये, और इसका सस्पेंशन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख ही सकते हो कितनी आसानी से हमारी गाड़ी ऑफ रोडिंग कर रही है। और ये कुछ चट्टाने हैं, इनको भी इसने इजीली यहाँ पे पार्क कर दिया है। तो अभी गाइज इस गाड़ी का ना ऑफ रोडिंग टेस्ट कम्प्लीट हो गया। गाड़ी से ना बहुत ज़्यादा तगड़ी ऑफ रोडिंग हो रही है इस गाड़ी से। तो गाइज अभी इस गाड़ी का ना ऑफ रोड टेस्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आया कि गाड़ी लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, हैंडलिंग भी बहुत तगड़ी है ऑफ रोडिंग में, तो इसको मीन्स पता ही है आप लोगों को 100 आउट ऑफ 100। और वैसे गाइस इस गाड़ी में हम लोगों ने ब्लैक कलर इसलिए रखा है क्योंकि यार ब्लैक कलर ना डेंजरस लगता है इस गाड़ी में, और ये सूट भी करता है। और यहाँ पर नंबर प्लेट देखो भाई हमारे नाम की है। तो अभी इस गाड़ी के एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ भाई, ये $1,01,472 में अभी ये बिक सकती है गाड़ी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई यार प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पे नो तो कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस सब्सक्राइब तो यार ज़रूर कर देना, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत लगी है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। कैसी लगी वीडियो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो डैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।